नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो आज है हरा भरा ट्यूसडे और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मटर पराठा। इसे मैं थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से बनाऊंगी, तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। मटर पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे मटर, इसे मैंने छील के अच्छे से धो लिया है और उसमें मैंने डाले हैं करीब 5 से 6 हरी मिर्च। और ये हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती है इसलिए मैंने इतने डाले हैं, आपको जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से आप मिर्ची डाल सकती हैं। तो इन सबको मैं पहले पीस लूँगी, इसे कच्चा ही पीसूंगी, इसे उबालना नहीं है, इसे बिना पानी का मैं पीसूंगी, पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। और इधर मैंने कढ़ाई में लिया है 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल और उसमें डाला है 1 चम्मच जीरा। जीरा जब स्प्लटर करने लग जाए तब उसमें मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो अदरक और लहसुन मटर और हरी मिर्च के साथ पीस भी सकते हैं। तो इस जिंजर गार्लिक पेस्ट को थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी इस तरीके से और फिर इसमें पिसा हुआ मटर ऐड कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से पीसना है, पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था और ना ही मैंने मटर को बॉईल किया था, तो इसलिए इसका बहुत ही सुंदर कलर आया है। और यहाँ मैं ऐड करूँगी नमक, नमक स्वाद के हिसाब से आप ऐड कीजिए। ध्यान में रखने वाली बात है कि मटर थोड़ा सा स्वीट टेस्ट होता है और चूंकि हम इसे आटे में भरेंगे तो इसलिए थोड़ा सा नमक अपर साइड में ही डालती हूँ, बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए। और फिर इसे मिला लूँगी और इस तरह से फ्लेम को कम ज़्यादा करते हुए इसे भूंज लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं भूंजना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद वैसे भी थोड़ा सूख जाएगा, तो इतना भी ना सूख जाए कि वो बिल्कुल भुरभुरा हो जाए और फिर भरने में दिक्कत आए और पराठा फट जाए या फिर उसमें से बाहर निकल जाए और आप अच्छी तरह से भर नहीं पाए। तो यहाँ पे मैं गैस ऑफ कर दूँगी, ये भून चुका है और इसे मैं किसी दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर दूँगी इस तरीके से। और ये देखिए जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके का हो जाता है, ये देखिए ये सूख गया है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी ये भरने लायक है, भुरभुरा नहीं है। तो इसे मैं आटे का लोई में भरूँगी, जैसे अमूमन हम स्टफ्ड पराठा भरते हैं तो लोई का इस तरह से स्मूथ गोला बना लूँगी और उसके बाद इसे बीच से गड्ढा करके एक कप शेप दे दूँगी और उसमें फिर ये स्टफिंग्स भरूँगी। इस तरीके से और इसे थोड़ा सा दबा दीजिए ऊपर से, ये बहुत अच्छे से भर जाता है। परथन लगा के इसे मैं बेल लूँगी और इस तरह से हथेली के बीच में रख के अगर आप इसे रोल करती हैं तो जो अंदर का स्टफिंग्स है वो बहुत यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है, तो ये प्रोसेस स्किप नहीं करना चाहिए। और फिर परथन लगा के यानी कि सूखा आटा लगा के इसे मैं बेल लूँगी, ज़्यादा पतला नहीं बेलूँगी। यूनिफॉर्मली इसे बेल लूंगी और मटर पराठा सर्दियों में बहुत ही कॉमन रेसिपी है क्योंकि ये बस 3-4 महीने तक ही अच्छा मटर मिलता है। और बनाना भी बहुत आसान है, आप एक बार इसे बिना इस तरीके से बॉईल किए हुए कच्चे मटर को पीस के बनाइए, यू विल रियली लाइक इट।
इसे दोनों तरफ से अच्छे तरह से सेक लूंगी और ये ठंडा खाने में भी अच्छा लगता है। गरम गरम तो खैर अच्छा लगता ही है, लेकिन आप इसे ठंडा भी परोसेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये बनके तैयार है। इसे मैंने परोसा है गोभी के खट्टे मीठे अचार के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद किया जाता है। और अगर मैं डेज़र्ट की बात करूँ तो इसके साथ गाजर का हलवा बहुत अच्छा कॉम्बी है। और आप इसे बच्चों के टिफ़िन में, हस्बैंड को लंच में भी दे सकती हैं। वेरी लाइट एंड वेरी टेस्टी टू ईट। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार, बिकॉज दिस मेथड यू नो इट विल गिव यू अ वेरी वेरी डिफरेंट टेस्ट। एंड स्पेशली इसका जो ग्रीन कलर है, इस मेथड से बनाने से वो ग्रीन कलर बिल्कुल इंटैक्ट रहता है। तो उम्मीद करती हूँ आप इसे जरूर ट्राई करें। और मेरे दरवाजे के बाहर खूब सारे पाम्स मैंने रखे हैं, तो चूंकि वो बाहर रहता है तो आसपास कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं तो धूल बहुत आती है, तो उसके ऊपर अच्छी खासी धूल की परत जम गई है। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं उसको किस तरह से साफ करूँगी और फिर से वापस उसकी जगह पे रख दूँगी। तो ये देखिए, ये बाहर का पाम है और ये बहुत ही गंदा हो चुका था, तो इसे मैंने बाथरूम में ला के रखा है क्योंकि मैं इसे धोऊंगी। और जो बाहर पॉट्स थे वो भी काफ़ी गंदे हो गए थे, ये देखिए ये वाइट पॉट्स, इनको भी मैं अच्छे से धो लूँगी। तो आज ये बाहर का जो पाम है इनकी साफ़ सफाई का प्लान है। और ये बाथरूम में मैंने इस तरह का एक प्लास्टिक बिछाया है ज़मीन में, ताकि मैं जब पॉट को इस पे रखूं तो जो मिट्टी है वो इस पॉलीथिन के ऊपर ही गिरे, ना कि ज़मीन में, नहीं तो ये बाथरूम बहुत गंदा हो जाएगा मिट्टी से, और मिट्टी अगर जाली में चला गया तो फिर जाम होने का डर रहता है। तो इसलिए इस तरह से अगर आप पॉलीथिन बिछा लेती हैं तो मिट्टी जो है उसी पे गिरेगा। और फिर शावर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से धो लूँगी। इसका धूल बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यही है कि पॉट में पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपका जो पाम है वो बिल्कुल सड़ जाएगा। आप लाख कोशिश करेंगी वो रिवाइव नहीं होगा, इसलिए वेरी केयरफुली आपको इसको वॉश करना है ताकि जो पानी है वो गमले के अंदर ना जाए, सिर्फ पत्तों पर ही गिरना चाहिए ये शावर का पानी, और पत्ते ही साफ़ होने चाहिए। और ये देखिए, यहाँ खैर मिट्टी तो गिरा नहीं है क्योंकि सूखा हुआ था मिट्टी, लेकिन इस तरह से आप पॉलीथिन को उठा के बाहर फेंक सकती हैं और आपका बाथरूम बिल्कुल गंदा नहीं होगा। और यहाँ मैंने पॉट्स को भी अच्छे से धो लिया है, बिल्कुल साफ़ लग रहे हैं। और ये पॉट्स बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि नीचे से ड्रेनेज नहीं होता है और गंदगी नहीं होती है, नीचे प्लेट रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये देखिए, लीव्स कितने अच्छे से साफ़ हो गए हैं और इतना फ्लोरेसेंट ग्रीन दिख रहे हैं ये, दे विल बी एबल टू ब्रीद प्रॉपरली। तो अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट एज येट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।